हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो दिस क्लास इज अबाउट रिंग काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर। नाउ रिंग काउंटर इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर। इट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द लास्ट फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप यूजिंग अ फीडबैक एंड इट इज प्री लोडेड विद सेट ऑफ वंस एंड जीरोज विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द क्लॉक पल्स इज गिवन। सो रिंग काउंटर एज द नेम सजेस्ट, रिंग काउंटर एक रिंग की तरह है। रिंग मतलब सर्कल। तो अगर हम एक सर्कल देखें और सपोज एक वैल्यू इधर है तो रिंग काउंटर में शिफ्ट हो रही है, मींस वो सर्कल चेंज होकर वैल्यू जो है चेंज है वो चेंज होकर ऐसे शिफ्ट हो रही है, फिर वो आगे शिफ्ट होकर चेंज हो रही है और ऐसे ही वो फिर से शिफ्ट होके चेंज हो रही है। तो ऐसे ही मूव करता जा रहा है। तो रिंग काउंटर एक रिंग की तरह है जिसकी तरह हम वैल्यूज आगे आगे मूव कराए जा रहे हैं। हम यही सेम काम रिंग काउंटर में करेंगे, कैसे, डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके। अब हम बनाते हैं रिंग काउंटर। तो अब मैं रिंग काउंटर बनाने के लिए 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 4 डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिनका मैं यूज़ कर रहा हूँ रिंग काउंटर के लिए, जिसका डी इनपुट है और आउटपुट है क्यू क्यू बार, जैसा कि आपको पता ही है। तो अब क्योंकि ये रिंग काउंटर है और रिंग की तरह मूव कर रहा है, रिंग की तरह मूव कर रहा है मतलब सर्कल में जा रहा है, तो जो इसका आउटपुट है वो दूसरे वाले का इनपुट है। मतलब जो डी फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट है वो डी फ्लिप फ्लॉप बी का इनपुट है। अब डी फ्लिप फ्लॉप बी का जो आउटपुट है वो डी फ्लिप फ्लॉप सी का इनपुट है। अब जो सी का आउटपुट है वो डी फ्लिप फ्लॉप डी का इनपुट होगा। अब ये चारों जो वैल्यू है वो ऐसे मूव करती रहेगी। तो लास्ट वाले से वो कहाँ जाएगी, लास्ट वाले से वो वापस मूव करके, ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने मेंशन किया था कि जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है वो फर्स्ट वाले से कनेक्टेड होता है यूजिंग अ फीडबैक लाइन। तो ये फीडबैक लाइन है जिससे वो वापस मूव करके फर्स्ट पे चल जाएगी। अब इसका मतलब अगर फर्स्ट वाले को मैं प्रीसेट स्टेट पे डालूं और बाकी सारी क्लियर स्टेट पे, सी एल आर मीन्स क्लियर, ठीक है, तो सी एल आर मतलब क्लियर स्टेट पे डालूं, इसका मतलब जो पहले वाले का जो आउटपुट होगा वो होगा 1 और बाकी का होगा 0, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि क्लॉक पल्स दिए बगैर कोई भी फ्लिप फ्लॉप नहीं चलेगा, तो हमने इन सारे फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक पल्स दी। अब इसका मतलब जब भी हम क्लॉक पल्स देंगे वैल्यूज आगे शिफ्ट होंगी। हम प्रीसेट और ये तीनों जो क्लियर्स हमने दिए हैं ये ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, इसको हम बोलते हैं INIT। INIT मींस इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे को यहाँ से आउटपुट्स भी चाहिए होंगे, तो QA आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप ए का, QB इसका, ये QC और ये QD, ये ऐसा यहाँ पे जैसे दिया हुआ वैसा। इसके बाद जब हम क्लॉक पल्स देंगे तो ये वैल्यू जो है क्यू की जो वैल्यू है वो इसके क्यू ए की वैल्यू पहले 1 थी, हमने क्लॉक पल्स दी तो ये वैल्यू इसकी इनपुट बनेगी और सिंस ये डी फ्लिप फ्लॉप है तो ये शिफ्ट होगा और इसकी वैल्यू चेंज होकर यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर की वजह से ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये वैल्यू अपने अपनी जगह पर रहेगी।
और ये रिंग काउंटर है तो इसकी जो वैल्यू है ये शिफ्ट होकर फ्लिप फ्लॉप ए में जाएगी और इसकी वैल्यू चेंज होके हो जाएगी यहाँ पे जीरो। कहने का मतलब ये है ये सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, हर डी फ्लिप फ्लॉप पूरे पहले वाले डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट लेगा, तो जो भी वैल्यू है वन थी शिफ्ट होकर इधर आ गई, ये यहाँ पर जो जीरो थी वैल्यू शिफ्ट होकर इधर आ गई, यहाँ पर जो जीरो वैल्यू थी वो शिफ्ट होकर इधर आ गई। ये प्रीसेट क्लियर क्लियर का काम सिर्फ स्टार्टिंग में है टू डिसाइड कि कहाँ पर स्टार्टिंग में वन रहेगा और बाकी सारे जीरो, उसके बाद वैल्यू शिफ्ट होती चल जाएंगे। उसी तरह हम नेक्स्ट जब क्लॉक पल्स देंगे तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर जो वन था वो इसका इनपुट था तो यहाँ पर वैल्यू शिफ्ट होके वन, और यहाँ पर जो जीरो थी वो यहाँ पर जीरो के फॉर्म में आएगी। सिंस ये फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है तो उसकी जीरो वैल्यू वो यहाँ जाएगी और ये इसको भी जीरो कर देगी। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 0 0 1 0। इसी तरह जब नेक्स्ट टाइम हम क्लॉक पल्स देंगे तो ये वाला जो वन है ये शिफ्ट होके नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा। वहां से जो जीरो था वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में आ जाएगा और ए फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट था वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में चला जाएगा। तो इस तरह वैल्यू शिफ्ट होती रहेंगी जब तक हम क्लॉक पल्स देते जाते हैं। दिस इज योर रिंग काउंटर। तो ये टेबल था रिंग काउंटर का, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसी वैल्यू ए से बी में शिफ्ट होती है वन की, तो वन आगे शिफ्ट हो गया बी में फिर, और बाकी सारे जीरोस भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो सारी की सारी वैल्यूज एक आगे शिफ्ट हो गई, ए का बी में आ गया, बी का सी में, सी का डी में आउटपुट्स। सिमिलरली नेक्स्ट में फिर से हमने क्लॉक पल्स दी तो जो वैल्यूज हैं वो फिर से शिफ्ट हो गई, इसका मतलब जो फर्स्ट ए में जो आउटपुट था वो बी का आउटपुट हो गया, जो बी का आउटपुट था वो सी का आउटपुट हो गया, सी का आउटपुट था वो डी का आउटपुट हो गया। इसी तरीके से शिफ्ट होती जाएगी और तब तक होती जाएगी जब तक हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं, इसका मतलब वो वन उसी तरीके से मूव करता रहेगा रिंग काउंटर में। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बोला था कि रिंग काउंटर एक रिंग की तरह है और वो रिंग की तरह गोल गोल मूव कर जा रहा है और जो वैल्यूज हैं वो भी रिंग की तरह गोल गोल चले जा रही है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये था रिंग काउंटर। अब रिंग काउंटर के बाद आता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। नाउ गाइस दिस इज द ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर, हमने पहले रिंग काउंटर पढ़ा जिसमें वैल्यूज सर्कुलर मूव कर रही थी, अब हम उस रिंग काउंटर को चेंज कर रहे हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर में। कैसे? एक छोटा सा फर्क लाके, वो ये था कि पहले रिंग काउंटर में जो क्यू आउटपुट था वो था इनपुट डी का, मतलब पहले वाले डी फ्लिप फ्लॉप का। अब जो आउटपुट है वो क्यू की जगह हमने क्यू बार से कनेक्ट कर दिया, तो अब जो क्यू बार है तो जो क्यू बार से आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा पहले वाले डी फ्लिप फ्लॉप में। अब सारे के सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स स्टार्टिंग में फर्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप प्रीसेट स्टेट पे है, बाकी सारे क्लियर स्टेट पे है। प्रीसेट जस्ट टू टेल कि कहाँ पर वन आएगा और बाकी सारे जीरो जाएंगे। ये प्रीसेट और क्लियर स्टेट सिर्फ स्टार्टिंग में यूज़ होती है, उसके बाद जैसे हम क्लॉक पल्स देते हैं वो मूव करता है। तो अब ये स्टार्टिंग में प्रीसेट पे था, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू वन, क्लियर पे था इसका मतलब आउटपुट जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर भी जीरो क्योंकि ये सारे क्लियर है। अब ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर में हमने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले का इनपुट, पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले का इनपुट, पहले वाले का आउटपुट क्यू से दूसरे वाले इनपुट और लास्ट में क्यू बार जो आउटपुट है वो पहले वाले डी फ्लिप फ्लॉप का एज एन इनपुट जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 0 0 ये आउटपुट शो हो रहा था। अब हमने पहले क्लॉक पल्स दी, जैसे ही हमने क्लॉक पल्स दी जो सेकेंड डी फ्लिप फ्लॉप है वो पहले वाले डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट लेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जीरो वैल्यू है वो चेंज होकर हो जाएगी वन में, क्योंकि इसने इसका इनपुट लिया है। डी फ्लिप फ्लॉप ये करता है ना, जो पहले वाले का इनपुट लेता है उसने आउटपुट दिया वन। अब ये वाले डी फ्लिप फ्लॉप इसका इनपुट लिया, इसका इनपुट क्या था पहले, जीरो था ना, तो इसका भी जीरो ही रहेगा। सेम डी फ्लिप फ्लॉप ने इसका इनपुट लिया, इसको इनपुट यहाँ से लिया और जो यहाँ का आउटपुट था वो यहाँ पर इनपुट था, तो यहाँ पर आउटपुट था जीरो पहले, तो अब यहाँ पर भी आउटपुट रहेगा जीरो। अब यहाँ पर आउटपुट था जीरो पहले और यहाँ पर था वन, इसका मतलब ये वन आउटपुट था तो ये जो वन आउटपुट है ये पहले वाले डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट हो जाएगा, तो वैल्यूज हो जाएंगी 1 1 0 0। ठीक है, अब मैं फिर से क्लॉक पल्स देता हूँ, फिर से क्लॉक पल्स दिया, इसका मतलब ये वाला डी फ्लिप फ्लॉप ये इसकी वैल्यू एज एन इनपुट लेगा, इसकी वैल्यू इनपुट लेगा तो ये जो वन है वो चेंज होकर वन पे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वन ही था। डी फ्लिप फ्लॉप सी ने इसकी जो आउटपुट है वो एज एन इनपुट लिया,
इनपुट लिया, इसकी आउटपुट था वन, तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी चेंज हो जाएगा वन में. डी फ्लिप फ्लॉप जो डी था उसने यहाँ का आउटपुट लिया एज एन इनपुट. अब यहाँ पर आउटपुट क्या था, यहाँ पर आउटपुट था जीरो, जीरो आउटपुट था, इसका मतलब यहाँ पर भी आउटपुट जीरो रहेगा और क्यू बार रहेगा वन. वन आएगा तो जो वन है वो पहले वाले डी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है, इसका मतलब यहाँ पर आउटपुट होगा वन, वन 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 जीरो, जैसे कि आप देख सकते हैं. अब हम फिर से क्लॉक पल्स कर देते हैं. इस बार इस वाले डी फ्लिप फ्लॉप ने इस वाले का आउटपुट एज एन इनपुट लिया मीन्स वन. सी ने फिर से बी का आउटपुट जो है एज एन इनपुट लिया तो वैल्यू आई वन. डी ने सी का आउटपुट जो है एज एन इनपुट लिया, यहाँ पर वन था आउटपुट तो यहाँ पर इसने इनपुट लिया तो क्यू चेंज हो गया वन में. और क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है क्यू वन है तो क्यू बार चेंज हो गया जीरो में. अब ये जीरो में चेंज हुआ ठीक है, तो इसको पहले वाले को एज एन इनपुट लिया तो इसका मतलब जो वैल्यू है यहाँ पर चेंज हो गई जीरो में. तो इसका मतलब तो ये यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज चेंज हो रही थी, तो ये सारा का सारा आगे शिफ्ट हो गया, तो वन 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 आ गया ठीक है. अब आप देख सकते हैं ये हो गया. अब इसके बाद अगर हम फिर से क्लॉक पल्स दें तो वैल्यूज़ फिर से चेंज होंगी. कैसे, यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर वन था, इसने एज एन इनपुट लिया वन, इसने एज एन इनपुट लिया वन, इसने एज एन इनपुट लिया इसका जो आउटपुट था वन. अब ये वाला जो डी फ्लिप फ्लॉप है तो उस वाले डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लेगा जो कि ज़ीरो था, जो कि यहाँ पर आके आ जाएगा ज़ीरो, तो ये आ गया ज़ीरो वन वन वन. अब ये ट्विस्टेड रिंग काउंटर इसी तरीके से मूव करता रहेगा जब तक हम उसको क्लॉक पल्स देंगे. इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो वन वन चेंज होगी, फिर ज़ीरो 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 वन होंगी, फिर ज़ीरो 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 होगी और फिर आगे बढ़ती रहेगी. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ ट्विस्टेड रिंग काउंटर. थैंक यू. थैंक यू.